आसमां में जैसे बादल हो रहे हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल, मैं अंकिता और आज आपके लिए लेके आई हूँ मिंत्रा साड़ी हॉल। जी हाँ, आज का ये हॉल मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट होने वाला है क्योंकि साड़ीज वेयर करना है मुझे और वो भी 6 साड़ीज है मेरे पास। बाप रे, इतनी वेयर करते करते आज तो मेरी जान निकलने वाली है। और हाँ, मैं साड़ीज पहनने में बिल्कुल भी एक्सपर्ट नहीं हूँ, मुझे बहुत मेहनत लगती है। बट मैंने ट्राई किया कि मैं मैक्सिमम कॉटन की साड़ीज ऑर्डर करूँ जिसमें कि बहुत ज्यादा मेहनत नहीं लगती है पहनने में, मैं इजिली वेयर कर सकूँ और बहुत सुंदर है साड़ीज। और हमेशा की तरह इस बार भी ब्लैक ज्यादा है। एक्चुअली किसी ने कमेंट की थी और रिक्वेस्ट की थी कि मुझे साड़ी हॉल चाहिए, इसलिए मैं साड़ी हॉल लेके आई हूँ। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू टू ऑर्डर सम साड़ीज। सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट वन। एक्चुअली हम लोग जनरली साड़ीज दुकान में जाके ही परचेस करना प्रिफर करते हैं, मैं भी करती हूँ वैसे, बट ऐसा जरूरी नहीं है क्योंकि ऑनलाइन में इतनी सुंदर साड़ियाँ दिखती है। बट ऑनेस्टली आपको बताऊँ तो उसका रिव्यू देख के उसे ऑर्डर करना बहुत जरूरी है क्योंकि साड़ी कभी कभी छोटी भी आती है। इसलिए इस वीडियो को देखने के बाद वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसमें मिलेगी कि साड़ी कैसे है, मटेरियल कैसे है, लेंथ कैसी है साड़ी की। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहेगी। तो ये रही हमारी फर्स्ट साड़ी जो कि प्रिंटेड है, ब्लैक कलर में है और बहुत सुंदर है, एकदम लाइट वेटेड मुझे लग रही है। देखिए साड़ी तो बहुत सुंदर लग रही है, आपको भी देखने के बाद समझ में आ ही रहा होगा कि कितनी डिसेंट है। प्रिंट बहुत सुंदर है साड़ी की, मुझे तो ये देख के बहुत पसंद आ रही है। इस साड़ी का प्राइस वैसे 2500 के आसपास है, 2490 यहाँ पे लिखा हुआ है, बट मुझे ये मिली है सिर्फ 574 में। मिंत्रा पे बहुत सारा डिस्काउंट मुझे मिला है और इसके आगे आपको मिंत्रा पे या फिर कोई भी शॉपिंग ऐप पे डिस्काउंट मिलते रहेगा क्योंकि अब आ रही है 15th August और वहां पे बहुत सारे ऑफर है। तो आप अभी अपने विश लिस्ट में इसे ऐड कर लीजिएगा और जब 15th August आएगा ना तब आप इसे ऑर्डर करिएगा। तो ये साड़ी सिर्फ 574 की है, इसका मटेरियल पॉली कॉटन का है। मैं ट्राई करके बताती हूँ आपको कैसी लगती है मुझ पे ये साड़ी। हमें विद ब्लाउज पीस मिली है, अनस्टिच ब्लाउज इसमें मिला है और ये इस तरीके से कुछ प्रिंट है ब्लाउज पे। ये पहनने के बाद बहुत अच्छा दिखेगा प्रिंट क्योंकि पिक्चर में तो बहुत सुंदर लग रहा है, मैंने आपको साइड में दिखाई है, वैसे ही अगर आप इसे स्टिच करते हो ये बहुत सुंदर लगेगा। तो गाइज इस साड़ी के बारे में अगर मुझे बात करनी है तो ये साड़ी बहुत सुंदर है, दिखने में भी आपको बहुत अच्छी लग रही होगी, मुझे भी बहुत पसंद आई। बट एक प्रॉब्लम इसमें है, लेंथ वगैरह भी बिल्कुल प्रॉपर है बट ये बहुत ज़्यादा पतली है, मतलब एकदम ही आप देख सकते हो आर पार ऐसे मेरा फेस भी दिख रहा होगा ना आपको इसमें से। एग्जैक्टली ये बहुत ज़्यादा पतली है, बाकी इसे छोड़ के इस साड़ी में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रिंट परफेक्ट है, लेंथ परफेक्ट है और दिखती भी बहुत सुंदर है, पहनने के बाद बहुत ही अच्छी लग रही है और पहनने में बहुत आसान है, सॉफ्ट मटेरियल है। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि इसे अगर हम एक बार धो लेते हैं ना तो ये पूरी इत्तु सी हो जाएंगी, बहुत कम हो जाएंगी क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत सॉफ्ट है। अगर आपको ये फिर भी पसंद आई है तो आप इसे ऑर्डर कर सकते हो, मैंने सारी साड़ी की लिंक्स कमेंट में शेयर कर दी है, वहां से आप इसे इजीली ऑर्डर कर सकते हो। तो आपको ये साड़ी कैसे लगी मुझे ये भी कमेंट में जरूर बताइएगा। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट साड़ी की ओर। इस साड़ी का कलर बहुत ज्यादा सुंदर है। एक्चुअली मैं ये पहले दूसरा ऑर्डर करने वाली थी, फिर जब मैं एक दिन के बाद मेरा विशलिस्ट देखने गई तो वो वाला ऑलरेडी आउट ऑफ स्टॉक हो चुका था, तो फिर मैं इस पे जंप करके आई और ये भी बहुत सुंदर है। वैसे मुझे दोनों भी पसंद आए ही थे। फोटो में ये पिस्ता कलर दिखता है, यहाँ पे मुझे थोड़ा सा डार्क ग्रीन दिख रहा है। इस साड़ी का मटेरियल हाथों को तो बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छी खासी हेवी भी लग रही है और बहुत डिसेंट प्रिंट है इस पे। इस प्रिंट को ना कुछ बाटिक बुटिक ऐसे बोलते हैं वहां पे लिखा हुआ है और इसका शिफॉन का मटेरियल है, बड़ा ही सुंदर लग रहा है। पहन के देखती हूँ तो समझेगा कैसे है। और इसमें देखते हैं ब्लाउज पीस वगैरह आया है कि नहीं। एक्चुअली इसमें ब्लाउज पीस अलग से निकाल के नहीं दिया है बट ये वाला ब्लाउज पीस है, इसमें ऐसे डॉट डॉट्स दिखेंगे आपको और इमेज में आप देख सकते हो ब्लाउज कैसे दिखने वाला है।
अगर इस साड़ी की मैं बात करूं तो मुझे पूछोगे पहले के कंपैरिजन में तो ये उससे भी ज़्यादा अच्छी है, इसमें तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है क्योंकि इतनी लाइट वेटेड है और पहनने के बाद बहुत डिसेंट लग रही है। बहुत वाव नहीं है बट नॉर्मल, आप कहीं पे भी ऐसा जा रहे हो छोटे मोटे फंक्शन में या फिर किसी से मिलने तब आप इस साड़ी को पहन सकते हो। ये बहुत सुंदर लग रही है, कलर तो बहुत ज़्यादा डिसेंट है और हाँ इसमें बहुत सारे कलर्स भी अवेलेबल है। अगर आपको ये नहीं और कुछ ऑर्डर करना है तो मैं बाजू में इमेज में लगा दे रही हूँ, आप उसमें से कोई भी कलर ऑर्डर कर सकते हो। ये साड़ी मुझे बहुत अच्छी लगी और हाँ मैंने तो आपको इसका प्राइस अब तक बताया ही नहीं है। दिस इज जस्ट फॉर 531 रुपीज। इतनी सुंदर साड़ी है और पहली वाली मैं शायद रिटर्न कर दूंगी क्योंकि ना वो मुझे पतली लगी थी, मैंने बताया। अगर रेटिंग के बारे में पूछोगे तो उसे मैं अगर 3 का रेटिंग देती हूँ तो इसे मैं 5 का दूंगी। ये इतनी सुंदर है, मुझे लगता है इसके बारे में और मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा मेरी इस साड़ी के बारे में तारीफ को लेके। ओवरऑल ये साड़ी बहुत अच्छी है। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट साड़ी की ओर। वाओ, ये तो ब्लैक कलर की साड़ी है, बहुत डिसेंट है ये साड़ी भी। ये देखिए इसका पल्लू कितना सुंदर है, ये प्रिंट मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी। बिल्कुल प्लेन है साड़ी और ऐसी बॉर्डर है इस पे, ऐसी और ऐसा पल्लू, इतनी डिसेंट लगेगी ना ये पहनने के बाद। और इसका प्राइस 500 के अंदर है, ये है 499 की, बस 500 रुपए में इतनी सुंदर साड़ी। अब इसका मटेरियल कॉटन का है, पहनने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि ये कैसे बैठ रही है, मतलब प्रॉपरली पहनते आ रही है कि नहीं। आपने देखा होगा मैंने साड़ियाँ बिल्कुल भी अच्छे से नहीं पहनी है क्योंकि मुझे बहुत प्रॉपर साड़ी पहनना आता नहीं है, तो मैं वो भी पर्सपेक्टिव से देखती हूँ कि साड़ी पहनने में मुझे डिफिकल्ट तो नहीं हो रहा है ना। मैं ट्राई करके आपको मटेरियल के बारे में बताती हूँ, बाकी ओवरऑल तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और ब्लैक कलर भी ना बहुत अच्छा है, मतलब ऐसा फेंट नहीं हुआ है। खादी का मटेरियल कैसा रहता है उसका फेंट कलर हो जाता है, वैसा ये बिल्कुल नहीं है, मुझे अच्छी लग रही है। पहनने के बाद बताती हूँ कैसे है। ये साड़ी भी सुंदर ही लगी है मुझे, एक्चुअली इसे भी मैं 5 का ही रेटिंग दूंगी। साड़ी बहुत ज्यादा सुंदर है और एक मुझसे मिस्टेक हो गई आपको बताने में, एक्चुअली जिसे मैं आपको पल्लो बता रही थी वो एक बहुत ही सुंदर सा ब्लाउज पीस था। ओवरऑल ये साड़ी पूरी प्लेन है और बस ऐसी बॉर्डर है, मतलब पल्लो पे भी वैसी ही बॉर्डर है और पूरी साड़ी पे भी। मुझे ये साड़ी का लुक बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो बिल्कुल रिजनेबल रेट में बहुत सुंदर साड़ी है। आप मुझे लगता है कोई छोटा मोटा फंक्शन है वहाँ पे जा सकते हो इसे पहन के, और हाँ संक्रांति के लिए तो ये बेस्ट है, अभी बहुत टाइम है वैसे, बट आप लेके रख सकते हो। जब हम देखते हैं ना अभी संक्रांति आ गई, मैं कुछ ब्लैक परचेस करती हूँ तब ऐसी चीज़ें मिलती नहीं है, तो आप इसे अपने कार्ट में ऐड करके 15 अगस्त वाले सेल में ऑर्डर करिएगा, आपको ये बहुत अच्छी लगेगी, ट्राई करके देखिएगा, मुझे तो ये बहुत पसंद आई। चलते हैं नेक्स्ट साड़ी की ओर जो कि हमारी 4th वन है। मैं पहले ही थक चुकी हूँ, आप देख सकते हो कि साड़ी ट्राई करते करते हालत टाइट हो जाती है मेरी, तो चलिए फिर भी हम नेक्स्ट 4th वाली साड़ी ट्राई करते हैं। और ये साड़ी का प्रिंट मुझे अच्छा लगा बट इसकी बॉर्डर मुझे पसंद नहीं आई है, पहले पहन के देखती बाद में इसे जज करेंगे। ये बिल्कुल नॉर्मल साड़ी है, घर पे मम्मी लोग जैसे पहनते हैं ना वैसी ये साड़ी है, एकदम सॉफ्ट मटेरियल वाली। इसके अंदर भी ऐसा 2 कलर में है, ये ऐसा कलर और ऐसा कलर, पहनने के बाद अच्छी लग भी सकती है। जैसे कि मैंने आपको बताया ये बिल्कुल सॉफ्ट सा मटेरियल है जॉर्जेट का, इसका प्राइस सिर्फ 498 रुपीज है, अंडर 500, इट्स ऑसम एक्चुअली। और कपड़ा बहुत अच्छा है, मुझे नहीं लगता ये कभी श्रिंक भी होगा, 500 के हिसाब से ये बहुत अच्छी है। और इसका बांधनी का प्रिंट, और मुझे पर्सनली बांधनी वाला प्रिंट बहुत अच्छा लगता है, बट उसमें ना कॉस्टली वाले जो आते हैं ना वो मुझे बहुत पसंद है। बांधनी का प्रिंट मुझे लगता है अराउंड 15,000-20,000 तक साड़ी आती है, जो कि बहुत सुंदर लगती है, उसका मटेरियल उसका बांधनी का प्रिंट जस्ट वाव होता है। अगर आप कभी शॉप में जाते हो तो उन्हें बोलिएगा कि हमें महंगी सी महंगी बांधनी प्रिंट वाली साड़ी दिखाइएगा, बहुत सुंदर दिखती है वो। अब हम ये अफोर्डेबल वाली ट्राई करके देखते हैं कैसी है और मैं आपको बताती हूँ उसके बाद मुझे ये कैसे लगी। अब इस साड़ी के बारे में अगर बात करनी है तो कलर बहुत ज्यादा प्रिटी है, और जितनी डिसअपॉइंटमेंट हुई थी ना इस लेस को देखने के बाद उतनी बुरी ये है नहीं, अच्छी दिख रही है मुझे तो पहनने के बाद, बट मुझे ऐसी बहुत ज़्यादा भी पसंद नहीं आई है।
4 का रेटिंग जाएगा। बाकी कलर बहुत प्रिटी है, प्रिंट भी बहुत अच्छा है, मटेरियल भी बहुत अच्छा है, लेंथ एकदम परफेक्ट है। और इसका ब्लाउज पीस मैंने आपको पहले दिखाया नहीं, मैं भूल गई थी, तो ये साइड में आप इमेज में देख लीजिएगा, साड़ी के जो एंड होता है ना वहां पे आपको ये ब्लाउज पीस मिल जाएगा, पिंक कलर का है, बिल्कुल सिंपल सा है। आप इसे ऑर्डर कर सकते हो आंखें बंद करके, क्योंकि मैंने जो रिव्यूज दिए है ना वो एकदम प्रॉपर है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको ये ऑर्डर करने के बाद। मेरे लिए ये साड़ियाँ अब तक के परफेक्ट रही है। अब चलते हैं नेक्स्ट और फिफ्थ साड़ी की ओर। ये वाली साड़ी आपको कैसे लगी मुझे बताइएगा जरूर। इस साड़ी का प्रिंट उतना खास नहीं लग रहा है, बट खोल के देखती हूँ। वैसे जैसे कि मैंने इसे जज कर लिया था ना सबसे पहले, वैसे ही इसके साथ हो रहा है। और ये तो सुंदर लग रही है, इसके बारे में कोई डाउट नहीं है। इसका मटेरियल पता नहीं मुझे कैसा है, बट इसका प्रिंट बहुत सुंदर लग रहा है। अभी दोनों में से पहले सुंदर वाली ही ओपन कर लेते हैं। फिर आई थिंक ये साड़ी पहनने में मेरी जान निकलने वाली है, क्योंकि ये थोड़ी सी कड़क मटेरियल में से आती है। गाइस ये साड़ी है 551 की। फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे इसका लुक बहुत स्टैंडर्ड लग रहा है, इसका कलर भी बहुत सुंदर लग रहा है, बट पिक्चर में दिखाया था ना वैसा कलर इसका नहीं है। आप देख सकते हो मुझे बिल्कुल अलग लग रहा था पिक्चर में देखने के बाद। और टीचर्स वगैरह होते हैं ना स्कूल में, ऐसी साड़ियां ज्यादा पहनते हैं। इसका मटेरियल कॉटन ब्लेंड का है। अब तक 600 के ऊपर भी हमारा कुछ नहीं गया है, 500 to 600 के बीच में हमारी सारी साड़ियां थी और सारी औसम थी, बस एक छोड़ के। तो इसे ट्राई करेंगे। प्रिंट बहुत सुंदर है, एकदम बारीक बारीक वाली व्हाइट कलर की। इसका ब्लाउज पीस होगा जरूर, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा है अभी इसे देखने के बाद कि कौन सा ब्लाउज पीस है। मैं ट्राई करती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि ब्लाउज पीस कैसा है। वैसे मैं पिक्चर में लगा दूंगी तो आपको समझ में आ ही जाएगा। तो चलिए अभी पहले ट्राई कर लेते हैं। एक्चुअली इसका कॉम्बिनेशन बहुत सुंदर लग रहा है, ये प्लेन बॉर्डर के साथ पूरी प्रिंटेड साड़ी, मतलब एकदम वाव दिख रहा है। मुझे तो अच्छा लग रहा है, आपको कैसे लग रहा है मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और इसे भी मैं रखने वाली हूँ, बिल्कुल सिंपल सा ब्लाउज है, बट अगर आप इस पे ये वाला ब्लाउज ना सिलाते हुए, ऐसा प्लेन वाला अगर सिलाते हो ना ब्लू कलर का एकदम सिंपल सा, या फिर आप वेलवेट पे भी जा सकते हो, पर बेटर है आप कॉटन सिंपल ब्लाउज सिलाइएगा, ये साड़ी एकदम ऑसम दिखेगी। अब चलते हैं हमारी लास्ट साड़ी की ओर, जो कि मुझे नहीं अच्छी लग रही है उतनी ज्यादा, बट खोल के देखती हूँ शायद मुझे अच्छी भी लग सकती है। इसकी शाइनिंग बड़ी ही सुंदर है, ब्लैक कलर एकदम अच्छा लग रहा है, एकदम बढ़िया सा, बट प्रिंट नहीं अच्छी लग रही है, बहुत ऐसी गाँव वाली प्रिंट लग रही है मुझे, कहीं से ब्लू, कहीं से रेड, कहीं से ग्रीन, येलो, बहुत मिक्सचर है। पता नहीं मैंने इसे कैसे ऑर्डर किया। ये डेफिनेटली फोटो में बहुत सुंदर लग रही होंगी, जैसे कि अभी नहीं दिख रही है, ये बहुत बार होता है। वैसे मटेरियल वगैरह का कोई इशू नहीं लग रहा है मुझे। इसकी मैं आपको इमेज दिखाती हूँ और ये एक्चुअल साड़ी भी दिखाती हूँ। एक्चुअली ये साड़ी फोटो में बहुत सुंदर लग रही है, बट वैसी ये है नहीं। आई डोंट नो, पहनने के बाद अच्छी भी लग सकती है, बट फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे इसका प्रिंट बिल्कुल अच्छा नहीं लगा है। इस पे ऐसा ग्रीन कलर का ब्लाउज है, एक तो ये बहुत ज्यादा कलरफुल है इसलिए भी मुझे अच्छी नहीं लग रही है। ये साड़ी पहनने के बाद बहुत सुंदर लग रही है, वैसे मैंने बहुत ज्यादा इसके बारे में बुराई कर ली पहले ही, बट फिर भी मुझे इसका पल्लू पसंद नहीं आया है। आप देख सकते हो इसकी प्रिंट कुछ खास नहीं लग रही है, बाकी ओवरऑल साड़ी बहुत अच्छी है, मटेरियल बहुत अच्छा है, इसकी लेंथ भी बहुत अच्छी है, परफेक्ट है। एक्चुअली बहुत सारी मीरी क्या चीनी क्या बोलते हो आप लोग, वो बहुत आई है और परफेक्ट है, पहनने में भी बहुत आसान है, बहुत ही आसानी से मैंने इसे पहन लिया, बट मैं इसे रिटर्न करूंगी क्योंकि मुझे ये पल्लू पसंद नहीं आया है। वैसे ये 600 की साड़ी बहुत अच्छी है, मटेरियल सिल्क का है इसका और प्राइस तो कम ही है। 600 में हमने सारी साड़ियां देखी है, सारी बहुत अच्छी थी। अब इसमें से मैं फर्स्ट एंड लास्ट रिटर्न करने वाली हूँ, बाकी 4 तो ऑसम थी। आपको सबसे ज्यादा कौन सी पसंद आई वो मुझे जरूर बताइएगा, और अब इसके अलावा मैं किस चीज पे हॉल बनाऊँ वो भी मुझे जरूर बताइएगा।